नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार। तो देखिए, प्रवक्ता के जो राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी के जो पद हैं, ये निकले हुए हैं। ये यूके जो यूके पीएससी है उसके अंतर्गत निकले हैं। इसकी विज्ञापन तिथि 23 जुलाई 2024 है और आवेदन भरने की जो तिथि या अंतिम तिथि वो 12 अगस्त है। यानी कि आप 12 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आप 12 अगस्त तक कर सकते हैं। इसमें कोई संशोधन 28 से 27 अगस्त तक आप संशोधन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें पदों की संख्या, योग्यता और इसका जो है पूरा विवरण हम इस पीडीएफ में देखेंगे। और जो व्यक्ति इस योग्यता को धारण कर सकते हैं वो जो है इसको देखें। तो देखिए, नंबर 2 पर दिया हुआ है कि 526 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसमें प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 55 पद हैं। अगर इसके लिए हम जो है शैक्षिक योग्यता देखें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियर या रोबोटिक्स ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर या इनमें से कोई भी आपने डिप्लोमा किया हो। तो देखिए, इसमें जो है हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास अदर जो योग्यता है जैसे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि गेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस पद के लिए जो अगर आप देखें आरक्षित पद अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या जो है 28 है और उत्तराखंड महिलाओं के 8 पद हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक का 1 है, दिव्यांग का 1 है, अनाथ बच्चे का 1 है और कुशल खिलाड़ी के लिए 1 है। तो इस तरह से ये दिए हुए हैं। मैकेनिकल जो प्रवक्ता हैं उनके लिए ये देखिए पद दिए हुए हैं किस तरह से, किसके कितने पद हैं। दूसरा पद है का नाम है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 57 पदों पर है। इसकी योग्यता भी जो है लगभग सेम ही लग रही है, जैसे कि इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इनमें से किसी में भी के साथ जो है प्रथम श्रेणी के साथ बी एस तथा इसके समकक्ष कोई और उपाधि की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। अगर आरक्षणों के हिसाब से देखें तो देखिए, इसमें जो अनारक्षित के 34 पद हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी के 8 हैं, एसटी के 3 हैं, ओबीसी के 6 और ईडब्ल्यूएस के 6, यानी कुल मिलाकर 57 पद हैं ये। और महिलाओं के लिए अलग दिए हुए हैं, दिव्यांगजन के सब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर अगला सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो 103 पदों पर ये जो है भर्ती निकली हुई है सिविल इंजीनियरिंग पर। इसमें अगर हम देखें तो आपने जो है सिविल इंजीनियरिंग में जो है किसी भी संस्थान से जो है इंजीनियरिंग संस्थान से सिविल या सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंस्पेक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, सिविल टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बी ई बी टेक बी एस के समकक्ष कोई आपने डिग्री की हो तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें जो है एज देखें 21 से 42 वर्ष है और यदि आपकी अधिमानी यानी कोई और योग्यता है, एनसीसी एनएसएस इसके अलावा कुछ और है तो आप इसमें लगा सकते हैं, आपको इसका अधिमान दिया जाएगा। आरक्षण अगर हम इनके जो पदों का विवरण देखें, आरक्षित पदों का विवरण, तो इसमें जनरल के लिए 49 पद हैं, एससी के लिए 24 हैं, एसटी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 हैं। बाकी जो है महिलाओं के लिए आप अलग से देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ऐसे ही पदों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या संचार अभियंत्रण के लिए देखें तो 29 पद हैं ये। इसके लिए आपने भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दो संचार इंजीनियरिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं और संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड टेलीमेटिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, यानी कि आप जो है स्क्रीन पर देख के हैं इन सब में से आपने किसी में भी प्रथम श्रेणी के साथ बी ई बी टेक बी एस के समकक्ष कोई डिग्री की हो तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी एज जो है अगर आप आरक्षण के हिसाब से देखना चाहें तो जनरल के 17 हैं, एससी के 5 हैं, एसटी का 1 है, ओबीसी के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के 3 हैं, इस तरह से इसमें दिए हुए हैं। और एक है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 3 पद दिए हुए हैं
उसके लिए अगर आप देखना चाहें तो भारत में जो विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से इंस्टॉलेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की हो या फिर इंस्टॉलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इंस्टॉलेशन इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टॉलेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक, बीएस या इसके समकक्ष कोई डिग्री की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें पद हैं जो है जनरल के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, तो आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो ये योग्यता रखते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस के लिए देखें तो 30 पद हैं इसमें। कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास जो है किसी भी विश्वविद्यालय से, इंजीनियरिंग संस्थान से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक, बीएससी के समकक्ष कोई डिग्री की हो तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पदों का विवरण अगर देखें जनरल के 16 हैं, एससी के 3 हैं, एसटी का 1 है, ओबीसी के 7 हैं और ईडब्ल्यूएस के 3 पद हैं। अगर आप देखें मैकेनिकल यानी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में देखें तो 9 पद हैं। इसके लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से, इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक, बीएससी के समकक्ष कोई डिग्री आपने की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आरक्षित पद देखें तो जनरल के 4 हैं, एससी के 3 हैं और जो हैं अदर के जो हैं ईडब्ल्यूएस के जो हैं 1 है और ओबीसी का 1 है। कुल मिलाकर 9 पद हैं ये। 5 पद जो हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं। इसके लिए जो है आपको केमिकल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इन टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या बीएस तथा इसके समकक्ष कोई डिग्री की हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पदों का विवरण इसमें जनरल के 2 हैं, एससी के 2 हैं और ईडब्ल्यूएस का 1 है। ऐसे ही आप देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए पदों की संख्या 3 है। इसमें आप अप्लाई करने के लिए जो है बी आपका इंजीनियरिंग संस्थान से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बीई, बीटेक, बीएस या इसके समकक्ष कुछ होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए अनारक्षित जो है जनरल के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, कुल मिलाकर 3 पद हैं। आप देखिए प्रवक्ता फार्मेसी के 47 पद हैं। उसके लिए आपको जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के साथ बी फार्मा या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर हो तो उसको बाध्यता दी जाएगी। तो देखिए इसमें जो है जनरल के 25 हैं, एससी के 11 हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं, ओबीसी के 5 हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर 4 हैं, कुल मिलाकर 47 पद हैं। भौतिकी में अगर हम देखें तो 41 पद हैं। इसके अंतर्गत जो अप्लाई करने के लिए आपको भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ निष्पाठ डिग्री एवं उसके समकक्ष होना चाहिए। तो देखिए निष्ण डिग्री होनी चाहिए और यदि आप जो है संबंधित विषय में डायरेक्ट उपाधि जो है अगर आपने उपाधि प्राप्त कर रखी हो, डिग्री प्राप्त कर रखी हो तो और भी आपको इसमें जो है वरीयता दी जाएगी। इसमें पदों का अगर विवरण देखें तो जनरल के लिए 20, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 7 हैं तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं। रसायन के लिए 45 पद हैं देखिए, और इसमें भी जो है निस्सार्थ, इसका मतलब हुआ कि आपने जो है स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की हो, अंग्रेजी हिंदी दोनों का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। और इसमें जो है आरक्षित पद जो हैं जनरल के लिए 21 हैं, एससी के लिए 11 हैं, एसटी के लिए 2 हैं और ओबीसी के लिए जो हैं आपके पास 7 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं। अगर गणित के लिए देखा 47 पद हैं। वही डिग्री है इसमें गणित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ निष्णात डिग्री और समकक्ष उपाधि, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पदों का विवरण देखें तो 22 पद जनरल के हैं, 9 एससी के हैं, 1 एसटी का, 7 ओबीसी के हैं, 4 ईडब्ल्यूएस के हैं। अगर प्रवक्ता अंग्रेजी के देखें तो 48 पद हैं इसमें। तो आप देखिए अंग्रेजी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ निष्णात डिग्री एवं समकक्ष उपाधि होनी चाहिए और आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है जनरल के 22 हैं, एससी के 12 हैं, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 8 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 4 पद हैं।
अगर आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 पद हैं। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए भारत द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम, बीए, गणित विषय सहित बीएससी, या फिर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफी एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिस एमओएस एंड एसपी में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का प्रथम श्रेणी के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर स्टेनोग्राफी में सेक्टोरियल प्रैक्टिस जो एमओएम एंड एसपी क्षेत्र में 3 वर्ष का व्यवहारिक एवं शैक्षिक अनुभव आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें जनरल के 3 हैं, एससी के 2 हैं, एसटी का नहीं है, ई जो ओबीसी का 1 है और ईडब्ल्यूएस का 1 है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो 1 पद है, और 1 पद के लिए आपकी योग्यता जो है रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि प्राप्त कर ली हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त की हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जनरल का 1 पद है मात्र। तो ये आप पदों का विवरण देखिए, एज जो है 21 से 42 वर्ष आपकी होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ये योग्यता रखते हैं वह व्यक्ति इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है सब व्यक्तियों के लिए। और देखिए इसमें आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए जो है 172 रुपये रहेगा, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 172 के लिए 172, एससी के लिए दिव्यांगजन के लिए 82 रुपये 30 पैसे रहेगा। और जो उत्तराखंड राज्य से संचालित राजकीय गृह में निर्वासित अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क इसमें नहीं रहेगा। तो देखिए आप जो है इसमें जो है जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, बहुत अच्छी ये भर्ती है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैं YouTube चैनल पर जुड़े रहें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।